Hi guys, myself Ria and welcome back to my channel. तो आज मैं आप लोगों के साथ आप लोगों का एक बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो शेयर करने वाली हूँ. आप लोगों में से बहुतों ने मुझे कमेंट करके नेहा कक्कड़ मेकअप लुक शेयर करने के लिए बोला है. यहाँ नेहा कक्कड़ ने जो ग्रीन कलर का साड़ी पहना है, सेम साड़ी मेरे पास है, तो मैंने सोचा कि ये लुक आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ. यहाँ पे नेहू ने हेयर को कर्ल किया है, तो मैंने पहले से ही अपने हेयर को कर्ल करके रखा है पर सेट अभी तक नहीं किया. तो मेकअप खत्म होने के बाद मैं अपना हेयर सेट कर लूंगी. तो चलो वीडियो देख लेते हैं. तो सबसे पहले मैं अपने फेस को हाइड्रेट करने के लिए यहाँ पे फर्साली का यूनिकॉर्न एसेंस सीरम यूज़ कर रही हूँ, जो ऑयली स्किन वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है. और आप लोगों को ये सीरम नायका पे मिल जाएगा. नेक्स्ट मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी प्राइमर, और मैंने यहाँ पे हुदा ब्यूटी का जेल प्राइमर यूज़ किया है. नेक्स्ट मैं यूज़ करूँगी फाउंडेशन. यहाँ पे मैंने लॉरियल ट्रू मैच फाउंडेशन और मिस क्लेयर का फुल कवरेज कंसीलर मिला के एक बेस क्रिएट किया है, जिससे एक बहुत ही अच्छा कवरेज लुक मुझे मिला है. फाउंडेशन को बहुत ही अच्छी तरीके से ब्लेंड करना है, नहीं तो कुछ टाइम बाद वो केकी और पैच दिखने लगेगा. तो ब्लेंडिंग में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगाए. उसके बाद आऊँगी कंसीलर पे, और कंसीलर के लिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया है मेबलिन फिट मी का कंसीलर इन दी शेड लाइट. इसे मैं अपने अंडर आइज़ एरियाज़ पे, आइज़ के लीड पे और नोज़ को हाईलाइट करने के लिए थोड़ा सा यूज़ करूँगी. उसके बाद इसे अच्छे से ब्लेंड कर लेना है. और आप लोग देख सकते हो कोई भी करेक्टर मैंने यूज़ नहीं किया है, तब भी बहुत ही अच्छी तरीके से मेरा जो डार्क सर्कल्स है वो कवर हो गया है. नेक्स्ट मैं अपने आईब्रोज़ को फिल कर लूँगी, और यहाँ पे मैंने अपना एक पुराना आईब्रो किट यूज़ किया है, जो आप लोग बहुत सारे वीडियो में देखे होंगे. तो इस आईब्रो किट से ये डार्क ब्राउन शेड लेके मैं अपने ब्राउज को फिल कर लूँगी. नेक्स्ट मैंने मेबलिन का कॉम्पैक्ट के हेल्प से अपने पूरे फेस मेकअप को सेट कर लिया है. मैंने यहाँ पे मैरिजो के एचडी का ट्रांसलूशन पाउडर यूज़ किया है अपने अंडर आईज एरियाज पे और अपने फेस पे, जो जगह मुझे हाइलाइटेड दिखाना है वहाँ, ताकि मैं अभी आई शेडो ड्रॉ करूँगी तो जो फॉल आउट होगा वो रिमूव करने में इजी हो जाएगा. मॉर्फे 39A आई शेडो पैलेट से ये शेड लेके मैंने एज अ ट्रांजिशन शेड अपने आई लीड पर अप्लाई कर लिया है. नेक्स्ट एक ग्रीन शेड लेके मैं अपने आईज़ के क्रीज पे अप्लाई कर लूँगी. उसे बहुत अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लूँगी ताकि कोई हर्ष लाइन ना दिखाई दे. नेक्स्ट ये ग्रीन शिमरी सा शेड लेके मैं अपने आई लीड पे, मतलब क्रीज के ऊपर ना जाए उतना तक ही मुझे इसको फ्लैट ब्रश के हेल्प से अप्लाई कर लेना है, क्योंकि उन्होंने जो आई शेडो क्रिएट किया है काफ़ी हद तक ऐसा ही है, मुझे फोटो में देख के जितना समझ में आया. उसके बाद मैं ये डार्क चॉकलेट सा शेड लेके आउटर भी से इनर की तरफ सर्कुलर मोशन में ब्लेंड करती रहूँगी ताकि कोई हर्ष लाइन ना दिखाई दे और लुक जो है बहुत ही ब्राइट दिखे. जो ट्रांजिशन शेड मैंने पहले यूज़ किया था उसी शेड को लेके आईज़ के आउटर लाइन पे एक स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश के हेल्प से ब्लेंड कर लेना है. नेक्स्ट काजल के लिए मैंने यहाँ पे NY Bay का काजल यूज़ किया है. उस काजल को मैंने अपने आईज़ के वाटर लाइन पर अप्लाई कर लिया है. नेक्स्ट दोनों कलर को मैंने एक फ्लड ब्रश के हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर लिया है एक स्मजी लुक के लिए. नेक्स्ट मैंने फिर से वो ट्रांजिशन शेड को लेके एक स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश के हेल्प से काजल के ऊपर अच्छे से ब्लेंड कर लिया है, क्योंकि उन्होंने जो काजल अप्लाई किया है वो ज़्यादा डार्क नहीं है, तो यही कलर विजिबल लग रहा था इसीलिए मैंने ये प्रोसेस अप्लाई किया. नेक्स्ट मैं अपने लैक्मी आईलाइनर के हेल्प से एक थिन आईलाइनर ड्रॉ करूँगी. आईज़ के इनर कॉर्नर को हाईलाइट करने के लिए मैंने यहाँ पर NK सुगर प्लम का ये वाइट कलर का शिमरी सा शेड यूज़ किया है. नेक्स्ट मैं आईलैशेस कलर से अपने आईलैशेस को कर्ल कर लूँगी, और मैंने यहाँ पे मस्कारा के लिए मेबलिन का हाइपर कर्ल मस्कारा यूज़ किया है. आई लुक को कंप्लीट करने के लिए मैंने ऑफ कैमरा अपना फॉल्स आईलैशेस को अप्लाई कर लिया है. नेक्स्ट मैं यहाँ पे द बाम कॉस्मेटिक्स का ब्रॉन्जर लेके अपने फेस को, नोज़ को और जॉ लाइन को ब्रॉन्जिंग कर लूँगी, ताकि मेरा जो फेस है वो थोड़ा सा शार्प दिखे. और फोटो में आप लोग देखे हो कि नेहू का जो फेस है वो बहुत ही शार्प दिखाई दे रहा है, और उन्होंने थोड़ा सा ब्रॉन्जिंग अप्लाई किया है इसलिए मैंने ये स्टेप फॉलो किया. उसके बाद मैंने जो एक्स्ट्रा पाउडर था मेरे फेस पे उसको अच्छे से रिमूव कर लूँगी. इस मेकअप लुक पे उनका जो नोज़ है वो बहुत ही शार्प दिखाई दे रहा है,
तो इसीलिए मैंने यहाँ पे मिस क्लेयर का वही कंसीलर लेके अपने नोज़ के ऊपर अच्छे से प्लेस कर लिया है, ताकि मेरा जो नोज़ है वो भी थोड़ा सा शार्प दिखे। और मैंने यहाँ पे ब्लश के लिए मिस क्लेयर का ब्लश किट यूज़ किया है। नेक्स्ट हाइलाइटर के लिए मैंने यहाँ पे हुदा ब्यूटी का 3D हाइलाइटर पैलेट यूज़ किया है। और इस पैलेट में जो जो शेड है वो सब बहुत ही मस्त है, और आप लोग देख सकते हो कि मेरा फेस कितना ग्लो कर रहा है। और मैं इस हाइलाइटर से अपना चीक बोन्स, ब्राउ बोन्स, नोज़ को हाइलाइट कर लूँगी। उसके बाद मैं एक न्यूट कलर का लिप लाइनर से अपने लिप लाइन को ड्रॉ कर लूँगी। और मैंने एग्जैक्ट नेहू का जैसा लिप है वही शेप देने की कोशिश की है, क्योंकि मेरा जो लिप्स है काफ़ी हद तक उनके जैसा ही है। और लिप कलर को फिल करने के लिए मैंने यहाँ पे एक न्यूट लिपस्टिक यूज़ किया है, और जिसका नेम मुझे नहीं पता है, मैंने इसे अपने फ्रेंड से परचेस किया था। और यही सेम कलर का लिपस्टिक नेहू यहाँ पे अप्लाई की है। और उसके बाद मैंने एक छोटा सा बिंदी लगा के कर लिया अपने लुक को कंप्लीट, और हेयर को भी सेट कर लिया। तो सो गाइज, ये रहा मेरा फाइनल मेकअप लुक। सो गाइस, ये रहा मेरा आज का फाइनल मेकअप लुक, एंड आई होप कि मेरा ये मेकअप लुक आप लोगों को अच्छा लगा होगा। मैंने कोशिश किया है कि बहुत इजी तरीके से मैं आप लोगों को ये नेहा कक्कड़ इंस्पायर मेकअप लुक क्रिएट करके दिखाऊं, तो आई होप कि मैंने वो काफ़ी हद तक कर दिया है। तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये मेकअप लुक मेरे ऊपर कैसा लग रहा है। नेहू तो बहुत खूबसूरत लग रही है, पर मेरे ऊपर कैसा लग रहा है ये मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना। और अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, और वीडियो को लाइक कमेंट करना एकदम मत भूलना। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, और उसके पास एक छोटा सा बेल बटन है उसे ज़रूर हिट कर दीजिए, ताकि मैं जब जब भी वीडियो डालूँ आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँचे। सो गाइस, आज का वीडियो इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।